हाय हाय खबरां ची आउंदा है तेरा। Hey, so guys, कैसे हो यार सब लोग। आज की वीडियो में सिखाने वाला हूं रील्स वायरल वीडियो एडिटिंग के बारे में। अगर आप रील्स यूज करते हो तो आपने इस तरह की वीडियो तो रील्स में जरूर देखी होगी। अगर आप वीडियो बनाकर रील्स पर अपलोड करते हो ना, आपके वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आने वाला है। उससे पहले गाइज, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब, और घंटी को ऑल पे प्रेस कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हो और आपको बताते हैं। ऑलराइट गाइज, वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज होगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और आपने दो एप्लीकेशन में डाउनलोड करने, फर्स्ट एप्लीकेशन है वीएन एप्लीकेशन और सेकेंड एप्लीकेशन है फोटो फ्यूनिया। तो आपको गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन सर्च करता हूँ। तो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है वीएन एप्लीकेशन, तो सर्च करते हैं। देख लीजिए फर्स्ट में एप्लीकेशन आ चुकी है, आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और जो हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है फोटो फ्यूनिया, तो सर्च करते हैं। देख लीजिए एप्लीकेशन आ चुकी है, आपने इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ओके, सो मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो सबसे पहले आपको फोटो फ्यूनिया एप्लीकेशन ओपन करनी है। सो ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का यहाँ पर आपको नॉर्मल सा इंटरफेस मिलेगा और ऊपर कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, जो लास्ट में ऑप्शन शो कर रहा है पॉपुलर, क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पर न्यूज़पेपर के काफ़ी टेम्पलेट आ चुके हैं, जो फर्स्ट में टेम्पलेट है क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पर अब एक फ़ोटो ऐड कर रहे हैं। फ़ोटो ऐड करने के लिए चूज फोटो पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से आपको फ़ोटो वाला आइकन शो करना है और आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने को फ़ोटो सेलेक्ट कर रहे हैं जिस फ़ोटो की आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैं एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो देख लीजिए फ़ोटो ऐड हो चुकी है। और यहाँ से आपने फ़ोटो का साइज़ ठीक कर लेना, ठीक है। ऊपर नीचे हो जाती है फ़ोटो, आपको इस तरीके से फ़ोटो सेट कर लेना, ठीक है, वरना आपकी फ़ोटो क्रॉप हो जाएगी। तो मैं फ़ोटो सेट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर रहे हैं और नीचे गाइज आपको यहाँ पर कुछ लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। नेम लिखने के बाद ऊपर एक ऑप्शन हो रहा है ओके, क्लिक कर रहे हैं। सो देख लीजिए लोडिंग ले रहा है। उसके बाद हमारी फ़ोटो बनके रेडी हो जाएगी। देख लीजिए हमारी फ़ोटो बनके रेडी हो चुकी है। और अब इस फोटो को सेव कर रहे हैं, ऊपर डाउनलोड का आइकन शो कर रहा है, क्लिक कर रहे हैं। सो क्लिक करते हैं डाउनलोड पे और यहाँ पर हमारी फ़ोटो हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है। और आप वीएन एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं। सो हम वीएन एप्लीकेशन ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का यहाँ पर आपको नॉर्मल सा इंटरफेस मिलेगा। ओपन होने के बाद आपको अलाउ वगैरह कर लेना है। सो क्लिक करते हैं अलाउ पे। उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। मतलब वीडियो शो करेंगे, साइड में ऑप्शन अगर फोटो क्लिक कर रहे हैं और हमने जो फोटो भी सेव करी थी उस फोटो को हमने सिलेक्ट करना है। तो फोटो सिलेक्ट करते हैं और इस एरो पे क्लिक कर रहे हैं। सो देख लीजिए फोटो ऐड हो चुकी है एप्लीकेशन के अंदर। और आपको मूव करना है लास्ट में जो ब्लैक लेयर शो कर रही है, इससे डिलीट कर रहे हैं। तो आपको ब्लैक लेयर पे क्लिक कर रहे हैं और डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं। देख लीजिए डिलीट हो चुका है और अब इसमें एक फ़ोटो ऐड कर रहे हैं। जो फोटो हमने अभी न्यूज़पेपर में ऐड करी थी उसी फोटो को हमने यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर रहे हैं, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक कर रहे हैं। फ़ोटो पे क्लिक कर रहे हैं, आपने उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। तो देख लीजिए फ़ोटो आ चुकी है और ऊपर एक ऑप्शन शो कर रहा है साइज़, क्लिक कर रहे हैं इस ऑप्शन पे और कुछ फ्रेम शो कर रहे हैं। आपको यहाँ से 9.16 इस फ्रेम को सिलेक्ट कर रहे हैं और स्क्रीन पर टच करना है। सो इतनी वीडियो एडिट हो चुकी है और अब इसमें साउंड ऐड कर रहे हैं। तो आपको लेयर को फर्स्ट मूव कर रहे हैं, एक ऑप्शन शो करेगा साउंड का आइकन, क्लिक कर रहे हैं, म्यूज़िक पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ म्यूज़िक शो करेंगे। आपने इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ ऑप्शन शो कर, जो थर्ड नंबर पर ऑप्शन शो कर रहा है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर वीडियो शो करेंगे। आपने जो साउंड वीडियो डाउनलोड कर रखी है उसे सिलेक्ट कर रहे हैं, ओके पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद देख लीजिए फर्स्ट में साउंड आ चुका है, चूज पे क्लिक कर रहे हैं। नीचे एक ऑप्शन से हो रहा है म्यूज़िक बीट, क्लिक कर रहे हैं और अब यहाँ से म्यूज़िक में बीट ऐड कर रहे हैं। तो म्यूज़िक में बीट ऐड कैसे करना है, सबसे पहले आपको वीडियो प्ले करनी है। प्ले करने के बाद हमारा जो फर्स्ट बीट गाइज यहाँ पर आ रहा है 2 सेकंड के बाद यहाँ पर। तो बीट ऐड करने के लिए आपने इस रेड कलर के बटन पे क्लिक कर रहे हैं। देख लीजिए फर्स्ट बीट ऐड हो चुका है। फिर आपको वीडियो प्ले करने, साउंड प्ले करना है और हमारा सेकंड बीट गाइस 6 सेकंड पर है यहाँ पर। ओके, हमें सेकंड बीट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं।
तो इस रेड कलर के बटन पे क्लिक कर रहे हैं, देख लीजिए बीट ऐड हो चुका है। अगर आपके उसमें ये साउंड पूरा शो नहीं करता तो गाइस आपको फोटो की लेंथ लंबी करनी है, उसके बाद पूरा साउंड शो करेगा। तो बीट ऐड हो चुका है, उसके बाद आपको टिक पे क्लिक कर रहे हैं और टिक पे क्लिक कर रहे हैं, देख लीजिए म्यूज़िक में दो बीट ऐड हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड, और अब इन फोटो को सेट कर रहे हैं। तो वीडियो प्ले कर रहे हैं, प्ले करने के बाद हमारा फर्स्ट बीट गाइस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आपको वीडियो रोकनी है और इतनी फ़ोटो की लेंथ लंबी हो चुकी है, कट कर रहे हैं। तो फोटो पे क्लिक कर रहे हैं, इसकी लेंथ आपको इस तरह से खींच कर लेंथ छोटी कर लें, देख लीजिए फर्स्ट फोटो बीट के हिसाब से सेट हो चुके हैं। फिर आपको वीडियो प्ले कर रहे हैं और सेकेंड बीट गाइस हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो इतनी लेंथ फोटो की लंबी हो चुकी है, फोटो पे क्लिक कर रहे हैं, इसकी लेंथ इस तरह से छोटी कर लेनी है, ओके। फिर आपको प्लस पे क्लिक कर रहे हैं, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से आपने उस न्यूज़पेपर वाली फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने दो फोटो बना रखी है, आपने भी दो फोटो बना लेनी है, तो आपने उन दोनों फोटो को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं दो फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँ और इस एरो पे क्लिक कर रहे हैं, सो देख लीजिए यहाँ पर दोनों फोटो आ चुकी है, मैंने एक फ़ोटो ये बनाई थी और एक ये, ठीक है। और अब कर रहे हैं क्या है, जो फोटो है अब इन फोटो में इफेक्ट ऐड कर रहे हैं, जो हमारी फर्स्ट फोटो है, ठीक है, इसमें एक इफेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो फोटो पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, नीचे से आपको मूव कर रहे हैं, लास्ट में एक ऑप्शन शो कर रहा है जूम, जूम पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर दो ऑप्शन शो कर रहा है, जूम आउट जूम इन, ठीक है, आपको जो भी ठीक लगे आपने उसे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं इसमें जूम आउट सेलेक्ट करता हूँ और टिक पे क्लिक कर रहा है, देख लीजिए फोटो में जूम आउट हो रहा है। और जो हमारी सेकंड फोटो क्लिक कर रहे हैं, नीचे एक ऑप्शन से होकर एफएक्स क्लिक कर रहे हैं, फोटो की लेयर को फर्स्ट मूव कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और जो इफेक्ट है इसकी लेंथ लंबी कर रहे हैं इस तरीके से और एडिट पर क्लिक कर रहे हैं, देख लीजिए दोनों फोटो में इफेक्ट ऐड हो चुके हैं और अब थर्ड फोटो में इफेक्ट ऐड कर रहे हैं। जो यहाँ पर गाइस प्लस ब्लैक एंड होकर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से गाइस आपको वाइट सेलेक्ट कर रहे हैं और टिक पे क्लिक कर रहे हैं, देख लीजिए इसमें भी इफेक्ट ऐड हो चुका है। और जो फोटो है क्लिक कर रहे हैं, नीचे कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, आपको लास्ट चले जाना है और आपको जूम पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से आपको जूम इन पे क्लिक कर रहे हैं और टिक पे क्लिक कर रहे हैं। जो हमारी सेकंड फोटो क्लिक कर रहे हैं, जूम पे क्लिक कर रहे हैं, इसमें गाइस आपको जूम इन सेलेक्ट करना है, ठीक है, और टिक पे क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा साउंड है 11 सेकंड और इतनी फोटो की लेंथ लंबी हो चुकी है, इसे कट करना है, फोटो पे क्लिक कर रहे हैं, इसकी लेंथ आपको इस तरीके से छोटी कर रही है और देख लीजिए वीडियो ने हमारी अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुकी है। आपने इस तरीके से वीडियो एडिट कर लेनी है और जहाँ पे गाइस मैंने फोटो ऐड कर रहे हैं बीच में, आप यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हो। वीडियो एडिट हो चुकी है और अब इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर रहे हैं। वीडियो सेव करने के लिए ऊपर एक ऑप्शन शो कर रहा है, एक्सपोर्ट क्लिक कर रहे हैं, क्वालिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपको टिक पे क्लिक कर रहे हैं और आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।